इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख करेंगे। आपको बताते चले, खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत के बाद ये बेहद दुखद खबर जो सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतक छात्र नवीन के पिता से उन्होंने फोन पर बातचीत की है। खार्किव में एक भारतीय छात्र जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, उनकी मौत हो गई। 21 साल के नवीन शेखरप्पा हमारे बीच नहीं रहे, वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहां पर गए हुए थे, लेकिन रूस की ओर से जो गोलाबारी हुई है उसमें उनकी जान चली गई। नवीन के खार्किव में गोलाबारी में जान चली गई। उनके परिवार वालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बातचीत की है। अपने आप में बेहद दुखद ये खबर सामने आई, इस तरह की उम्मीद नहीं की जा रही थी। हालांकि आज ही भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी भी खासतौर से कीव, जो कि यूक्रेन की राजधानी है, उसको लेकर जारी की गई थी कि कीव में जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं वो तुरंत बॉर्डर एरिया में चले जाएं। लेकिन तब तक खार्किव से ये बुरी खबर सामने आती है, हर कोई स्तब्ध, पूरा देश नवीन के परिवार के साथ खड़ा है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पिता से बातचीत कर उनके पिता को दुख की इस घड़ी में सब लोग उनके साथ खड़े हैं, परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश की है।